So pure protein shake, so it has zero carbs in it, and so basically you're taking in zero calories, and you're getting 25 grams of protein in that. Also, if you're having just rice and chicken, for example, don't mix it with roti. Or just have roti and rice. Don't confuse your body. Okay, well, isko digest karo, usko digest karo. आप कहाँ से जानी बाबा? सॉल्ट छोड़ दो, रिप्लेस इट विद हिमालया पिंक सॉल्ट. शुगर छोड़ दो, उसकी जगह जैगरी कर दो. दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, आटा छोड़ दो. मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ. है वो प्रोटीन शेक, इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस जिसमें है दूध और सोया. जो सारे मिलके हमको पागल बना. तो इस वीडियो को देख के आपको समझ ही गया होगा कि हमारी वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है. नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा. तो वीडियो में हमारे साथ में एंड तक बने रहे. सो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैली ब्रदर्स 301. मैं हूँ खालिद शेख, और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मिथ के बारे में बात करेंगे, फिर चाहे वो डाइट के रिलेटेड हो या फिर वर्कआउट के रिलेटेड. और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए. ओके, जो आपको रेड बटन दिख रहा है उसे आप ग्रे कर दीजिए, और न्यू नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. तो गाइज, जो हमारे पहले ज्ञानी बाबा है वो बात कर रहे हैं आइसोपे और सप्लीमेंट की. तो उनके हिसाब से उसमें जीरो कार्ब्स है और 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है. ओके, तो उनके हिसाब से कैसा है कि 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो हम जीरो कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं. सबसे पहली बात आपको मैं बता दूँ, कार्ब्स में, प्रोटीन्स में और फाइबर्स में, ये तीनों चीज़ में कैलरीज होती है. ठीक है, विटामिन्स में और मिनरल्स में कैलरीज नहीं होती है. तो आप चाहे सप्लीमेंट जीरो कार्ब्स का ले रहे हैं या 25 ग्राम्स का प्रोटीन का ले रहे हैं, उसमें आपको कैलरीज मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, तो हमारे दूसरे ज्ञानी बाबा है, उनके हिसाब से अगर आप राइस और चिकन खा रहे हैं तो उसके साथ में आप रोटी को मिक्स मत कीजिए. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी. तो आपको बता दूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है. देखिए, चिकन में होता है प्रोटीन, राइस में होता है कार्ब्स, रोटी में होता है फाइबर. तो अगर आप प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर, अगर आप तीनों का इंटेक एक ही साथ में कर रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए कि आप अगर चिकन और राइस खा रहे हैं और साथ में आप रोटी खाएंगे, ओके, तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. आप चिकन, रोटी, राइस, दाल, ये सारी चीज़ें साथ में खा सकते हैं. ओके, ये आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ठीक है, और भाई साहब, ये मैडम कहती है कि शुगर छोड़ दो, सॉल्ट छोड़ दो, ओके, दूध छोड़ दो, दही छोड़ दो, फिर बाद में कहें कि जीना ही छोड़ दो. ऐसा नहीं है. आप सॉल्ट, शुगर, चलो आप शुगर को आप जैगरी से रिप्लेस करो, अच्छी बात है, बट आप खा सकते हो सॉल्ट, शुगर, जैगरी, दूध दही में तो डेयरी प्रोडक्ट है, वो तो डेयरी प्रोडक्ट है, उसमें अच्छा खासा प्रोटीन है, तो आप उसे भी ले सकते हो, उसे भी खा सकते हो आप. तो आप ऐसी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए कि आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है. आप सब कुछ खा सकते हैं, बट एक लिमिटेशन होना चाहिए हर चीज़ का. ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ का ज़्यादा इंटेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोटीन का भी ज़्यादा इंटेक करते हैं, फिर चाहे वो चिकन हो, कोई भी चीज़ हो, तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हार्मफुल होगा ही, हो सकता है, बट अगर आप जैसे कि मीठा चीज़ हो गया, उसका आप इंटेक ज़्यादा करें तो आपके लिए हार्मफुल डेफिनेटली है, बट अगर आप उसका इंटेक लिमिटेशन में करते हैं तो आपके लिए हार्मफुल नहीं है वो. ठीक है, और जो हमारे चौथे ज्ञानी बाबा है, वो पहले प्रोटीन शेक्स के खिलाफ थे, फिर बाद में वो प्रोटीन शेक्स के अगेंस्ट अब नहीं है. वो शायद उनको मालूम पड़ गया होगा कि वो दूध से बनता है. जी हाँ, बराबर सही सुना आपने, जो प्रोटीन शेक्स है वो दूध से बनते हैं, जिसे आप पाउडर, सप्लीमेंट्स कहते हैं, वो दूध से ही बनता है, तो वो हार्मफुल नहीं है आपके लिए. ठीक है, तो आपका अगर शेड्यूल काफ़ी बिजी है, आपके पास में चिकन कैरी करने का, एग्स कैरी करने का टाइम नहीं है, सबसे बेस्ट है आप 2 स्कूप प्रोटीन शेक कैरी करो साथ में आपके, आपके जो टाइम है वो टाइम पे आप खा लो, उसे उसका इंटेक ले लो, सबसे बेस्ट है प्रोटीन इंटेक का. ठीक है, तो गाइस, एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा मैं वर्कआउट से रिलेटेड. जैसे कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो वर्कआउट है वो मशीन्स पे करना चाहिए या फिर वेट्स पे, वेट मीन्स डंबल या फिर बारबल. ओके, तो डिपेंड करता है कि आप प्रीफर क्या करते हैं. जैसे मैं प्रीफर करता हूँ मशीन्स की वर्कआउट, बिकॉज उसमें जो वेट होता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी स्ट्रेट जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप बारबल से या फिर डंबल से बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, तो उसमें जो वेट है, वेट आपके हाथ में है और वेट आपका मोशन सर्कुलर है. ठीक है, आप देख रहे हैं सर्कुलर मोशन है. बट वही चीज़ अगर आप मशीन पर परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, तो उसमें कैसा है, बार आपके हाथ में बट वेट उस तरफ है और वेट स्ट्रेट अप डाउन आ रहा है. ठीक है, तो कुछ कुछ वर्कआउट ऐसी है जो मशीन से ज़्यादा इफेक्टिव है. ओके, कुछ कुछ वर्कआउट ऐसे है जो आप बारबल या फिर डंबल से कर सकते हैं. ठीक है, और ये भी है कि आप प्रीफर क्या करते हैं. अगर आप डंबल प्रीफर करते हैं हर वर्कआउट के लिए या फिर बारबल प्रीफर करते हैं, तो अच्छी बात है, दैट्स गुड फॉर यू. अगर आप मशीन प्रीफर करते हैं कुछ कुछ वर्कआउट के लिए, तो भी अच्छी बात है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बेटर ग्रोथ चाहिए चेस्ट के लिए, तो आप
डंबल से भी कर सकते हैं, बारबल से भी कर सकते हैं, या फिर आप मशीन पे भी कर सकते हैं। मशीन पे और डंबल पे, बारबल पे, तीनों चीज पे वेट आपका कंटिन्यूसली स्ट्रेट अप और डाउन जाएगा, इसमें सर्कुलर मोशन नहीं होगा। बट जैसे कि आपका हो गया बाइसेप कर्ल हो गया, ठीक है, इसमें वेट जो है वो सर्कुलर मोशन पे अप डाउन हो रहा है, ठीक है। तो गाइस आप ऐसे गलत गाइडेंस से आप दूर रहें। अगर आपको आपके हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप जो सर्टिफाइड न्यूट्रिशन है आप उनसे गाइडेंस ले। अगर आपको वर्कआउट के रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो सर्टिफाइड ट्रेनर आप उनसे गाइडेंस ले, ओके। और आप ऐसे लोगों से और ऐसे चीज़ से आप दूर रहें, ठीक है, क्योंकि बात है आपके हेल्थ की। तो गाइज आज की जो वीडियो थी किसी को डिफेम करने के लिए या फिर किसी को गलत दिखाने के लिए नहीं थी, ये वीडियो आपको सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस के लिए थी, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप मेंशन करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।